दानिश, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और आज का सीन कुछ ये है कि मैं जा रही हूँ कुछ काम से अरुबा के साथ, और मेरे साथ जा रही हूँ, कौन जा रहे हैं मेरे साथ? आप भी जा रही हूँ। ये अभी प्ले एरिया में थी, इसको अभी हमने प्ले एरिया से लिया और अब हम जा रहे हैं। और अच्छा जी, वहाँ भी कोई आ गया था जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था उस टाइम। तो सीन कुछ इस तरह है कि मुझे जाना है अरुबा के साथ कुछ काम के लिए। वो का क्या काम है वो मैं आगे किसी व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। और अभी भी लोग देख रहे हैं बाहर से, क्या बोले भाई। और अपार्टमेंट में कोई देखता ना, फिर बाद में देखता ना, बड़ा अजीब लगता है। तो खैर, पेट्रोल भी ऑलमोस्ट मुक चुका है और कुछ अभी मैं नहीं डलवा रही क्योंकि मैं बस टाइम भी नहीं है। खैर इतना है कि मैं जाकर वापस भी आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मनाल और मिशी घर पर हैं, अम्मी को मैंने छोड़ दिया है घर। सुबह अम्मी को लेकर जाना था डॉक्टर के पास, तो वहाँ से चेकअप वगैरह करवा कर अम्मी चले गई हैं घर। उसके बाद हम आ गए घर, घर पर नाश्ता वाश्ता किया और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:45। तो बस हम जाते हैं, कड़कती धूप हो रही है, गाड़ी में तो बड़ा सुकून लग रहा है। तो खैर ज़्यादा बात किए बगैर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके कमेंट करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। अच्छा जी, बस सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। जल्दी जल्दी का व्लॉग जब बनाती हूँ ना, तो मुँह में जो जो आ रहा होता है ना, बड़बड़ बड़बड़ कर देती हूँ, फिर बोल देती हूँ। बड़बड़ का मतलब है बोल देना। तो खैर अभी हम चलते हैं, उसके बाद जो भी अपडेट होगी, जो भी अच्छा सीन होता है, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो स्टे ट्यून, बिल्कुल नहीं स्किप करना है मेरे व्लॉग को, मेरा व्लॉग को। तो खैर चलते हैं, टाइम जाएगी बगैर। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? चलो चलो बोलो, चले 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 चले। कहाँ जा रहे हैं हम? चाची घर। चाची घर, तो लेट्स गो। ले लिया था और उसके बाद हम चले गए थे अपने काम के लिए, लेकिन हमारा काम नहीं बना वहाँ पर। और अब हम आ गए हैं वापस गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अरुबा की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, बच्चारी को, मेरी बच्चारी बेबी को जो है ना फीवर हो गया। और क्या हुआ है? चक्कर आ रहे हैं उसको। खुशखबरी कोई नहीं है वैसे तो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। आओ बाल छोड़ो मिराल। तो खैर मजाक अपनी जगह, तो बेचारी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सब दुआओं में याद रखिएगा भाई। आ रहे थे चक्कर। हाँ, उस लड़की को भी चक्कर आ रहे थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और रास्ते में है धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ग्लासेस हमने लगाए हुए हैं और मिराल मैडम पीछे बैठी हैं। तो चलते अभी आगे का सीन हम देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। अरुबा के घर हमने अरुबा को छोड़ दिया है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मंडे को बताएंगे कहाँ गए थे हम। हाँ, हम मंडे को बताएंगे कि हम कहाँ गए थे। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है अरुबा को। बस आती हूँ इंशाल्लाह। अरुबा के लिए दुआ करिए खास तौर पर, भाई जल्दी से सही हो जाए, अल्लाह ना करे। ये नहीं, इसके इसकी शक्ल ना बेरौनक सी हो जाती है जब इसकी तबीयत खराब होती है। अल्लाह हाफिज़। चले जी, अरुबा को तो हमने छोड़ दिया है, हंसी मजाक भी हो गया, मस्ती भी हो गई है, अब हम जाते हैं अपने घर, है ना भाई? हाँ भाई। और एक मिनट, और क्या सीन था? कुछ लेना है? नहीं कुछ लेना, घर जाकर कुछ मंगाते हैं, फिर बच्चों का सीन देखते हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं, उनसे भी मिलवाते हैं और आगे का सीन आप लोगों को दिखाते रहते हैं, है ना भाई मिराल? है ना भाई मिराल? मिराल हेलो 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 पापी से डांट क्यों? बोलो हम घर जा रहे हैं, हम घर पे मिलते हैं। पापी से डांट क्यों? बोलो हम घर पे मिलते हैं। पापी से डांट। बात तो सुनो ना, बोलो आप स्किप मत करिएगा, हम घर पे मिलते हैं। टाइम मिलते हैं। ओके बाय। पापी से बाय। पापी से डांट क्यों? ये पिज़्ज़ा है। हाँ। खाएंगे आप लोग पिज़्ज़ा? आप लोग पिज़्ज़ा खाएंगे? मस्तियां करते हैं, चलें घर जाते हैं, घर जाने के बाद मिलते हैं। चलें जी, अभी बस थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ मैं और आप
कर मैं बस ज़रा सी देर के लिए मिराल के साथ लेटी थी। मिराल मैडम सो गई हैं। मैंने बोला यार कल संडे है और कल एक और चीज़ है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैंने बोला चलो ये लॉन्ड्री कर लेते हैं भाई हम, तो हमने मशीन लगा ली है। और आपको एक और बहुत ही प्यारा सा एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो करेक्ट, तो जी ये है व्यू, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब इतना तो कोई हसीन हो रहा है ना, इतना कोई हसीन, शायद वीडियो में इतना ना लग रहा हो लेकिन आँखों से देखकर, अपने ओरिजिनल आँखों से इस चीज़ को देखकर ना बहुत हसीन लग रहा है। लविश वो देखें, वो कटी पहाड़ी है, माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, देखे कितना हसीन, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये है कुछ नज़ारे अभी तक के यहाँ के। अभी इस रोड पर सन्नाटा हो रहा है और ये रात जैसे जैसे होगी ये पूरी सड़क जो है फुल हो जाएगी, क्यों यानी कि मतलब हमारे बराबर में शादी हॉल वगैरह हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अभी रश लग जाना है। यहाँ आँखें जाकर ना ठहर गई हैं और बस दिल चाह रहा है बस यहीं पर खड़े होकर ये देखते रहो नज़ारे, देखते रहो नज़ारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी ये था व्यू, पानी अभी तक के माशाल्लाह है व्यू, और एक तरफ मशीन लगी हुई है और चले दोबारा स्टार्ट करती हूँ। हमने पीछे थोड़ी सी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें, ठीक है ना, ओके। और मैंने आकर बस चेंज वेंज किया, उसके बाद मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए। मिराल मैडम वो देखें वहाँ सो रही हैं और मिन्नू और मिशी अगेन अगेन केक बना रहे हैं, और मिन्नू एंड मिशी, तो अगेन आज हमारे घर में केक बन रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अंदर इतनी सी भी कोई हिम्मत नहीं कुछ काम करने की। छोड़ देंगे हम लोग अपना काम, मैं नहीं, अब तुम लोग बना कर लिया, बस मैं नहीं दिखा रही उखारी, ठीक है ठीक है। तो ये है अब तक का सीन, सारे काम हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हो रहे। तो कल का जो सीन है, कल का सीन ये है, कल का व्लॉग आपने देखना है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमारे घर है दावत, तो सही चीज़ें भी सेट करनी है, सही चीज़ें भी बनानी है। तो ये है कल का, थोड़ा सा टफ टाइम है मेरे लिए लेकिन मैं कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँ और बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाऊँ, बहुत ही मज़ेदार वाला व्लॉग बनाऊँ ताकि जो आप लोग को मज़ा आए देखने में और स्किप ना करें। आप लोग कैसे लोग हैं आप लोग यार, नहीं 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 आप लोग रहने दें। तो ये लोग जब केक बना लेते हैं और मेरे थोड़े से कपड़े धुल जाते हैं उसके बाद मिलते हैं और केक खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ मैं अपनी अगर हिम्मत होती है तो, हिम्मत नहीं हो रही आज। और मशीन भी लगा ली है, मशीन मैंने इसलिए लगाई है कि कल सब होंगे तो मैं नहीं धो सकूँगी, कल काम बहुत ज़्यादा है तो मैंने बोला अभी लगा लेते हैं और सारे काम हो जाएंगे। तो चलें बस केक जैसे ही बनता है उसके बाद मिलते हैं और आप लोगों को केक दिखाते हैं कि आज कैसा बना है। तो स्टे ट्यून, मैंने ज़्यादा स्किप नहीं करना है और ज़रूर देखना है आपने इन दोनों की हरकतें, इन दोनों का मुझे इतना परेशान करना, मैंने सबसे ज़्यादा। तो स्टे ट्यून, चलें जी केक तो बन गया, अब देखते हैं कैसा बना है, दिखाओ। ये मैं क्या बना है, आउच, एक मिनट छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सही है सही है, वेट 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 वेट, चम्मच डाल के देखते हैं पागल, एक कप मिला है इनको और उसका बेड़ा गरक करके रखा हुआ है इन लोगों ने। बन गया देखिए, पहले मम्मा टेस्ट करेंगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। कोको पाउडर कुछ ज्यादा नहीं डाल दिया, नहीं देखिए चाय है, बहुत गर्म हो रहा है, काला भी बहुत हो रहा है, काला भैया पे गया बिल्कुल, मिन्नू पे गया है बिल्कुल, सही पकड़े हैं मम्मा, लेकिन मैं भैया को एक चम्मच लाऊंगी, बहुत गर्म हो रहा है, मिन्नू तुमने एक हाफ खा लिया, चले मैं खा लूं, अब एक दूंगी मिन्नू तुम्हें, वेट मिनट मम्मा, सो गुड, धुआं निकलेगा, मिन्नू मैं पहले एक चम्मच दूंगी बस, तुमने आधा चम्मच खा लिया, आधा चम्मच खा लिया ना भाई, एक उंगली भी नहीं खाई, बना ही नहीं हम नहीं, नहीं बना ना, बोला वो मैं कह रही थी कि वो और करना पड़ेगा, दिखाया मुझे, अजीब तरीके से सॉफ्ट है वो हो रहा है थोड़ा सा कड़वा, अभी और बेक करो, दिखा मुझे भी दिखा, अच्छा है मुझे, अच्छा बनाना है, ले हां मुझे खाना है,
आगे मुंह में लग गया। दो मुझे भी गलत बात है। अच्छा तो और बेक कर लो। मुझे भी दो। नहीं आज मैं नहीं खड़ी थी वहाँ पर तो इन्होंने मेरी चीजों का जाया क्या। खैर अब तो ये चलता रहेगा रहेगा। आज मैं नहीं खड़ी थी तो नहीं बना सकता। बिल्कुल चीजों का जाया करना मतलब मनाल हद है यार। और तुम इतनी तो कोई करती हो ना अपनी मनमानी, इतनी अपनी मनमानी और बदतमीजी करती हो ना, अल्लाह माफ करे। तो जी खैर चीजों के जाया हो चुका है, अब दूसरा काम मेरी लॉन्ड्री रह गई है भाई। कपड़े धुल रहे हैं वो धोते हैं, मिराल मैडम सो रही हैं, उसके बाद अल्लाह मैं तो भूल जा रही हूँ मैं हाथ में लगा हुआ तो, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। आज सोच रही हूँ अंडे की भुजिया बना लूँ क्योंकि आलू गोश्त का सालन रखा हुआ है तो मिला जुला के हो जाएगा तो टेंशन नहीं है। और बस सी सीन है, अभी दानिश आए नहीं है, 7:15 हो रहा है, 7:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, तो आगे का सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं। चले जी यहाँ मैच भी स्टार्ट हुआ हुआ है, बल्कि अब तो एंड एंड है और बड़ा ही हसीन सीन हुआ है। अभी ये देखें, मैं बोला चलो व्लॉग में लेते हैं, ये देखें ये आगे करके यहाँ पर ये सीन हुआ है, मोए 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 मोए। और बस दोबारा 4 हो गए हैं और यहाँ आए हुए हैं जिम्मी, और यहाँ चल रहा है मैच। चलें यहाँ भी आए हुए हैं जिम्मी और रूमा और कर रहे हैं बातें साथ। हेलो बलिरा भी आई है, बलिरा अपने दांत तो दिखाओ करीब से जूम करके। बलाज भी आइए, बलाज साहब भी, हेलो कर दो बलाज, हेलो। और हम मैच देख रहे हैं और बस यहाँ चल रही हैं बातें, बच्चे कर रहे हैं शोर शराबा और अभी हम लोग बैठे हैं जिम भी और दाल जा रहे हैं किसी काम से और बस सब लोग घर पे होंगे, आएंगे ये लोग थोड़ा लेट आएंगे तो हम लोग आराम से इंजॉय करते हैं। अभी बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, अभी प्ले एरिया से हैं और मेरा मिराल ने मेरे हाथों में भी पेंट लगाए तो टिल ऑफिस अभी निकल जाएगा ये। तो बस मैंने बोला चलो व्लॉग में ही एंड कर देते हैं, मैंने भूल जाऊंगी फिर मैं व्लॉग को एंड करते हैं। हमारे साथ व्लॉग एंड करेगी मैं वो क्या सिक्स मतलब 23 बॉल्स हैं और 26 रन बनाने हैं, तो मतलब माशाल्लाह बहुत। इस्लामाबाद की टीम है और लाहौर की टीम, तो बहुत ही मज़ेदार गेम चल रहा है, मतलब मैच चल रहा है, हम लोग वही इंजॉय करना। मैं बड़ा बड़ा रिलैक्स होकर बैठी हूँ। तो जी ब्लॉग तो करते हैं एंड, ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करते हैं।